अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रूट में जो है रिएक्ट के एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, टर्मिनल पे जो है क्लाइंट के नाम से रिएक्ट के एप्लीकेशन को क्रिएट करना है। तो नोड सर्वर को हम क्लोज कर देंगे कंट्रोल सी, और आप चाहे तो इंटीग्रेटेड टर्मिनल यानी वीएस कोड का टर्मिनल भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो है कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ करूँगा ताकि अच्छे से जो है आपको दिखाई दे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेक श्योर देखिए यहाँ पर हम रूट डायरेक्टरी के अंदर है, डॉक अपॉइंटमेंट सिस्टम ये हमारा रूट फोल्डर है, इसके अंदर हम जो है रिएक्ट के एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे। npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और इसका नाम आपको रखना है क्लाइंट। तो क्लाइंट के नाम से हम रूट में जो है रिएक्ट के एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे। तो वेट करते हैं इसके फिनिश होने का, थोड़ा सा ये टाइम ले सकती है क्योंकि यहाँ पर सारी डिपेंडेंसीज जो है डाउनलोड होंगी। और आई नो आपको पता होगा रिएक्ट के एप्लीकेशन जब भी क्रिएट करते हैं तो 2 से 3 मिनट इसको जो है सारी डिपेंडेंसीज को जो है डाउनलोड और इंस्टॉल करने में लग जाते हैं। और जैसे यहाँ पर सब कुछ इंस्टॉल हो जाता है तो मैं वीडियो को वापस से रिज्यूम कर लूँगा। तो यहाँ पे हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन जो है क्रिएट हो चुकी है, इसको हम रन कर देंगे। तो आपको स्विच होना है क्लाइंट डायरेक्टरी के अंदर सीडी क्लाइंट, और यहाँ से हम क्या करेंगे इसको रन करेंगे। तो उसके लिए आपको लिखना है npm स्टार्ट कमांड। तो ये क्या करेगा, लोकल होस्ट 3000 पर आपकी रिएक्ट की एप्लीकेशन को रन कर देगा। हमारी नोड की एप्लीकेशन पोर्ट 8080 पे है और रिएक्ट की एप्लीकेशन जो है पोर्ट 3000 पे है। तो दोनों को हमको अभी कंबाइन भी करना है। जैसे हम फ्रंट एंड और बैक एंड कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि उसका कुछ पार्ट अगर हम कंप्लीट कर लेंगे तो दोनों को हम क्या करेंगे कॉन्करेंटली की मदद से जो है एक ही पोर्ट पे रन कराएंगे। तो फिलहाल वेट करते हैं इसके रन होने का। तो देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन जो है कंपाइल हो रही है, इसको चेक कर सकते हैं आप। देखिए स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर, तो ये कंपाइल होंगी, और जैसे ही कंपाइल होंगी तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से इसका डिफॉल्ट आउटपुट हमको देखने मिल जाता है। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कोड क्लीन अप कर देंगे और इसमें जो है बूटस्ट्रैप को भी ऐड कर देंगे। उसके बाद में थोड़े से पैकेजेस हैं उनको भी हमको इंस्टॉल करना है। तो चलिए कोड क्लीन अप कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ से मैं क्या करता हूँ टर्मिनल क्लोज कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, और बैकएंड की सारी फाइल्स को जो है मैं कट कर देता हूँ। अब हम जाएंगे क्लाइंट के अंदर, यहाँ से पब्लिक, पब्लिक के अंदर हमारे पास है index.html की फाइल, और इसमें देखिए यहाँ पर हम टाइटल चेंज कर लेंगे पहले। यहाँ पे इसका नाम हम रखते हैं डॉक्टर अपॉइंटमेंट सिस्टम, और यहाँ पर बूटस्ट्रैप को भी हम ऐड कर देंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे getbootstrap.com पर, और यहाँ से डॉक पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ से डाउनलोड, और यहाँ पर आपको CDN लिंक्स मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर दोनों भी CDN लिंक्स आपको मिल जाती हैं, तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको कॉपी कर लें, फर्स्ट वाला जो रहेगा वो रहेगा CSS फाइल, तो इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। तो टाइटल से ऊपर आप क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं इसको, पेस्ट, सेव कर लें इसको। इसी तरीके से अगर आपको जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगेन जावास्क्रिप्ट वाली फाइल को भी यहाँ से कॉपी कर लेना है, और इसको बॉडी के अंदर जो है आप पेस्ट कर सकते हैं। इस कमेंट को मैं रिमूव कर दूंगा, यहाँ पर हम स्क्रिप्ट को भी पेस्ट कर देंगे, सेव कर लेते हैं इसको, और चलते हैं src में। यहाँ पर जितनी भी स्टाइलिंग है डिफॉल्ट इसको हम कट कर देंगे। सो कंट्रोल ऑल कट सेव। इसी तरीके से हमारे पास index.css में भी जितनी स्टाइलिंग है उसको रिमूव कर लेंगे हम, सेव, और app.js में जितना भी कोड है उसको रिमूव कर लेंगे यहाँ से, और इस div को जो है फ्रैगमेंट बना देंगे सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म, और इसके अंदर एक div ले लेंगे विथ bg डार्क, क्योंकि बूटस्ट्रैप को हमको टेस्ट करना है तो हम चेक कर रहे हैं बैकग्राउंड डार्क ये होता है या नहीं। तो यहाँ पे bg डार्क के क्लास मैंने ऐड किया, उसमें एक h1 लिया, और इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं हेलो, और इसको भी कुछ क्लास हम ऐड कर देंगे। सो यहाँ पे आप क्लास नेम ऐड कर दें, जैसे कि इसका टेक्स्ट जो रहेगा ना उसको हम कर देंगे सक्सेस, सिर्फ टेस्ट पर्पस के लिए हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। सेव कर लेते हैं इसको, और इस स्टाइलिंग फाइल को आप रिमूव कर सकते हैं, इसकी अभी हमको ज़रूरत नहीं है। सेव कर लेते हैं, चलते हैं वापस ब्राउजर पर। तो देखिए बराबर से हमारा बूटस्ट्रैप जो है सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है, बैकग्राउंड इसका ब्लैक हो चुका है यानी डार्क हो चुका है, और सक्सेस का कलर यहाँ पर इस हेडिंग को ऐड हो चुका है। आप इसको इंस्पेक्ट करके भी चेक कर सकते हैं, सिंपली आप इंस्पेक्ट करें, और उसको थोड़ा सा साइड में कर लेता हूं मैं। तो देखिए यहाँ पर क्लासेस अप्लाई हो चुकी है, और फर्दर भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं, इस पर क्लिक करें, और स्पेसिफिक आप कोई भी एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं। सो फिलहाल तो बूटस्ट्रैप यहाँ पर सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल करेंगे जिसकी मदद से हम हमारा कंप्लीट प्रोजेक्ट जो है क्रिएट करेंगे। तो चलते हैं वापस टर्मिनल पर, और इसको मैं क्या करता हूँ थोड़ी देर के लिए क्लोज कर देता हूँ कंट्रोल सी, और यहाँ पर आपको क्या करना है कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल करना है। जैसे कि देखिए यहाँ पर npm i, इंस्टॉलेशन का शॉर्टकट है i,
इसके बाद में आपको इंस्टॉल करना है रिएक्ट राउटर डॉम। सो रिएक्ट राउटर डॉम आप सभी को पता होगा, राउटिंग के लिए हम इस पैकेज का यूज़ करते हैं। उसी तरीके से हम एक्सियोस का यूज़ करेंगे नेटवर्क रिक्वेस्ट के लिए, और उसके बाद में एंड डिज़ाइन को भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है एंड डी, और इसके अलावा भी कोई पैकेजेस लगते हैं तो हम बाद में इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो इतने सारे अभी पैकेजेस को आप इंस्टॉल करें, एंटर प्रेस कर ले तो ये सारी पैकेजेस जो है इंस्टॉल हो जाएंगे। मेक श्योर आप जो है क्लाइंट डायरेक्टरी के अंदर हो, वरना वो रूट में यानी नोट के एप्लीकेशन में जो है इंस्टॉल हो जाएंगे। तो इसका खास ख्याल रखें, यहाँ पे आपको क्लाइंट डायरेक्टरी के अंदर जो है ये सारे पैकेजेस को इंस्टॉल करना है। छोटे पैकेजेस है, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। और एंड डिज़ाइन आपको नहीं पता तो आप सिंपली इसको भी गूगल कर सकते हैं, एंड डी सर्च करें, ये भी एक डिज़ाइनिंग की लाइब्रेरी है। एंड डी कंपोनेंट बेस्ड यूआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, और काफ़ी हमको रेडीमेड यहाँ पर कंपोनेंट्स मिल जाते हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं और इंटरेक्टिव यूआई जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से इंस्टॉलेशन बहुत सिंपल है, इसको भी हमने इंस्टॉल कर दिया है। चेक कर सकते हैं यहाँ पर इंस्टॉल हो रहे हैं सारे पैकेजेस, और इसको कैसे यूज़ करना है तो आप इसका डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, गेटिंग स्टार्ट पर क्लिक करना है। अरे थोड़ा सा स्लो चलता है कंपोनेंट, इसमें लोड होने के लिए टाइम लगता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आप इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं रेडीमेड, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि बटन, बटन पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर बटन से रिलेटेड जितने भी इसके पास कंपोनेंट्स हैं वो शो करेगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन शो कर रहा है, इतने सारे हमारे पास ऑप्शन है बटन के लिए। आप इनमें से कोई भी बटन का यूज़ कर सकते हैं, अपने हिसाब से भी इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो हम डायरेक्टली इसका यूज़ करेंगे, इनकेस अगर आपको जानना है और तो आप इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी देख सकते हैं। और यहाँ पर पैकेजेस स्टिल जो है डाउनलोड हो रहे हैं, तो वेट करते हैं इसके फिनिश होने का, या फिर जब तक डाउनलोड हो रहे हैं तो और कोड क्लीन अप हम कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको क्या करना है, पब्लिक का काम तो हमारा ख़त्म हो गया, सोर्स में क्या करेंगे हम एक और न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे कंपोनेंट्स के नाम से। जितने भी रीयूजेबल कंपोनेंट्स रहेंगे हम यहाँ पर शो करेंगे। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक और न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे पेजेस के नाम से। तो इसमें क्या रहेगा, हमारा व्यू लेयर रहेगा, यानी जितने भी विजिबल कंपोनेंट रहेंगे इसके अंदर हम शो करेंगे। मान लीजिए जितने भी राउट्स हैं तो वो राउट्स इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। और पेजेस के अंदर मैं क्या करता हूँ, दो तीन फाइल और क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले होम पेज कर लेते हैं, होम पेज डॉट जेएस, आप चाहें तो JSX भी लिख सकते हैं। और इसको फंक्शनल कंपोनेंट हम बना देंगे, RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट। और इसके अंदर एक H1 मैं फिलहाल के लिए ऐड कर देता हूँ, H1 होम पेज सेव। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक और न्यू फाइल क्रिएट कर देंगे लॉगिन के नाम से, लॉगिन डॉट जेएस, और इसको भी एरो फंक्शन बना देंगे, RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट। इसके अंदर भी एक हेडिंग हम ऐड कर देंगे H1, और यहाँ पर इसका नाम मैं रखता हूँ लॉगिन पेज सेव। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक और न्यू फाइल यहाँ पर क्रिएट करेंगे, और ये रहेगा रजिस्टर के लिए, रजिस्टर डॉट जेएस। इसको भी फंक्शनल कंपोनेंट हम बना देंगे, RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शन विथ एक्सपोर्ट। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी H1 ऐड कर देंगे और इसको भी नाम दे देंगे रजिस्टर पेज सेव। और चेक कर लेते हैं पैकेजेस का क्या हाल है, तो देखिए ये स्टिल जो है डाउनलोड और इंस्टॉल हो रहे हैं, तो वेट करते हैं इसके फिनिश होने का। अच्छा देखिए यहाँ पर हो चुका है, सक्सेसफुली सारी पैकेजेस जो है इंस्टॉल हो चुके हैं। और यहाँ पर देखिए कुछ वल्नरेबिलिटी बता रहा है, तो इसको भी आप फिक्स कर ले, NPM ऑडिट फिक्स। तो इस कमांड से आपको जो है इस वल्नरेबिलिटी को जो है फिक्स कर देना है। तो ये पैकेजेस की वल्नरेबिलिटी होती है, यानी कुछ कमियां होती है या फिर अपडेट में कुछ इशू आता है तो वो फिक्स करते हैं। हालांकि इससे कोई ज़्यादा हमारी एप्लीकेशन पे इफेक्ट नहीं पड़ता, बस एप्लीकेशन की सिक्योरिटी जो है हमारी ब्रीच हो सकती है। तो वो वल्नरेबिलिटी अब यहाँ पर फिक्स हो चुकी है, इसको मैं करता हूँ साइड में।